मम्मी भूख लगी। मम्मा मम्मा रो क्यों रहे हो? क्या हो गया? डैडी से झगड़ा हो गया? भैया ने कुछ कह दिया? तो क्या बात होगी बताओ ना। ना जाने वो कुड़िया अपने आप को क्या समझती है, इंसल्ट कर दी मेरी। लड़की? कौन लड़की बताओ मुझे, वो बड़ी वाली है या फिर वो देवयानी? नहीं, उससे भी छोटी वाली है। छोटी वाली? उसकी ये मजाल, मेरी मम्मी को बुलाया। ठहर, मैं अभी उसकी खबर लेकर आता हूं। अच्छा जी, इतनी हिम्मत होगी तुम्हारी, तुमने मेरी मम्मी को बुलाया? अरे नींद पर मेरी बात तो। शट अप, समझती क्या अपने आप को? हिम्मत कैसे होगी तुम्हारी मेरी मम्मी की इंसल्ट करने की? भाई गॉड, मैंने तुमसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। दिखने में इतनी भोली भाली और सबके सामने कैसे कैसे इनोसेंट प्रिटेंड करती हो, बट रियलिटी में इतनी गिरी हुई हरकत, शर्म ही आई तुमको? वैसे तुम्हारी हिम्मत भी माननी पड़ेगी, इतना कुछ होने के बावजूद बेशर्मों की तरह मुंह उठा कर आ गई तुम। अरे नील, पर मेरी बात तो सुनो। अरे क्या बोलना चाहती हो? यही ना कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती होगी, माफ कर दो, ऑल दैट स्टफ। आई हेट दैट प्रैक्टिस। पहले तो गलती करो, उसके बाद सॉरी बोल दो, और फिर सॉरी बोल के सारी गलती माफ, है ना? अरे मम्मी की आंखों में आंसू देखने से कितना दुख होता है पता है तुम्हें? तुम नहीं समझोगी भैया। मम्मी, मैं कुछ ज्यादा बोल गया? हाँ बेटा, थोड़ा ज्यादा बोल गया तू, लेकिन मैं समझ में नहीं आता तूने इसे क्यों डांट लगाई। मेरी लड़ाई तो अनन्या से हुई थी यार। मम्मी आप भी ना पहले नहीं बता सकते थे? मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। वो बेचारी शायद अनन्या की तरफ से माफी मांगने आई थी और मैंने उसे ही भला बुरा बोल दिया। आई हेट मायसेल्फ। मम्मी आप भी ना अपने आंसू को थोड़ा कंट्रोल में रखा करो, आपके आंसू की वजह से इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। तो उसे सॉरी भी नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि सॉरी बोलने के ऊपर इतना बड़ा लेक्चर तो झाड़ दिया मैंने। मम्मी आप ना एक काम करो, मेरी तरफ से सॉरी बोल देना उसे, ओके?